साला क्या थंबनेल लगाऊं, हैं? ऑडियंस पूरी कंफ्यूज हो जाए कि साला फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। हाँ गाइस, तो वो दिन आ चुका है एंड पठान मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है इतने सारे कंट्रोवर्सी होने के बाद। और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या वो एक्सपेक्टेशन, जो इतनी एक्सपेक्टेशन थी, इतनी हाइप थी, क्या वो फिल्म डिलीवर कर पाई है नहीं, या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, पठान की कहानी स्टार्ट होती है 370 से। इंडिया 370 हटा लेता है और उसके रिएक्शन में पाकिस्तान एकदम बौखला जाता है एज यूजुअल, और अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी वो एक आउटसोर्स कर देता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो टेररिस्ट एक्टिविटी करती है पैसों को लेकर, और जिसे जिम लीड कर रहा होता है। जिम और उसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे एक बायोलॉजिकल वॉर कर देती है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। ये एक बॉलीवुड फिल्म में ही हो सकता है गाइस कि एक एक्स इंडियन ऑफिसर रोग बन के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट बना लेता है, और एक एक्स ISI एजेंट एक रॉ एजेंट की हेल्प करती है इंडिया पे जो बायोलॉजिकल वॉर हुआ है उसे रोकने की। तो गाइस, फिल्म का फर्स्ट हाफ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और काफ़ी वीक लगा फर्स्ट हाफ मुझे, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई थम्सअप का एक्सटेंडेड एड देख रहा हूँ। बट सरप्राइजिंगली सेकंड हाफ जो है फर्स्ट हाफ से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, मज़ा आया देखते हुए, और भर भर के इसमें एक्शन सीन्स हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। बट उसके साथ सपोर्ट करने वाला VFX मुझे काफ़ी ज़्यादा पुअर लगा। कई कई सीन्स में तो ऐसा लग रहा था कि एक्टर्स के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है और साफ दिख रहा था, उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस आपको मिल नहीं पाएगा, जो आपको रियलिज्म चाहिए वो दिख नहीं पाएगा कुछ सीन्स में। स्क्रीन प्ले फिल्म का काफी ज्यादा अच्छा है, 1 घंटा 28 मिनट की फिल्म है और फिल्म काफी ज्यादा फास्ट लगती है। डायलॉग मुझे इतने खास नहीं लगे, डायलॉग और थोड़े इंप्रूव हो सकते थे। गाइस, फिजिक्स की तो मतलब क्या बताऊं मैं, पूरी मां बहन करी है। मतलब एक सीन में तो जॉन इब्राहिम दोनों अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को पकड़ के ऐसे बांध देते हैं। परफॉर्मेंस में गाइस, जॉन इब्राहिम की परफॉर्मेंस जिससे जितनी उनसे एक्टिंग हुई उन्होंने कर दी, एंड दीपिका पादुकोण के लिए ज़्यादा कुछ स्कोप था नहीं, वो एक आई कैंडी की तरह फिल्म में यूज़ हुई हैं, ज़्यादा कुछ एक्टिंग के लिए स्कोप था नहीं। SRK की बात करूँ गाइस, ये उनकी जो एक्टिंग कैपेबिलिटी है उसको वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाए डायरेक्टर, क्योंकि ये फिल्म एक प्योर एक्शन मूवी है और जितना SRK की एक्टिंग से ज़्यादा एक्शन पर डिपेंड करती थी। तो वो अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं SRK, उनके बाल, उनका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग, एक्शन इज लुकिंग कूल। ओवरऑल मैं आपसे कहूँगा यह फिल्म में फ्लॉज ज़रूर हैं, बट ये फिल्म मज़ा देगी ऑडियंस को, आपको ज़रूर मज़ा आएगा फिल्म देखते हुए, क्योंकि SRK का 5 साल बाद कमबैक हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक वन टाइम वॉच फैमिली के साथ जाके अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं, आपको ये फिल्म ज़रूर मज़ा देगी गाइज। तो गाइज, आप मुझे बताइए अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका ओपिनियन। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफर कर सकता है, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।